नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोटोलॉजी इस एपिसोड में। और मैं आपको कुछ आज महाभारत से पढ़ने वाला हूँ, मणिपुर के बारे में। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। महाभारत का ये प्रथम खंड ही है। प्रथम खंड आदि पर्वणि, अर्जुन वनवास पर्व, चतुर्दशाधिक द्विशतमो अध्याय। तीर्थ यात्रा में निकले हैं अर्जुन पूर्वी दिशा में। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के लिए थोड़ा सा अपराध कर दिया, गलती में घुस गए कांतवास में उनके, तो निकले हैं। अभी अर्जुन है, अभी प्रतिज्ञा तोड़ते नहीं है, और आज पहुंच रहे हैं वो मणिपुर। मणिपुर जल रहा है पूरी तरह। भारत की गवर्नमेंट को इतना कठोर एक्शन लेना चाहिए मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर अर्जुन की धरती है, अर्जुन की ससुराल भी है। यह महाभारत में लिखा हुआ है, तो वही मैं पढ़ने वाला हूं। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक सोल्जर मेरी इस बात को सुने, प्रत्येक गवर्नमेंट ऑफिसर सुने, भारत का सिक्योरिटी एजेंसी सुने, और ध्यान से सुने। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है, अर्जुन की ससुराल है। वहां पर चाहे कोई भी हो, उसको इतना इस तरह आप उसको मारें कि वो दुनिया में सोचे ना, मणिपुर एक मिसाल बन जाए। चाहे कोई भी पश्चिमी देश हो या कोई भी और देश हो, मैं अमेरिका का नागरिक हूं और मैं बोल रहा हूं कि चाहे जो भी देश हो, अर्जुन की धरती को छू ना पाए, ऐसा मेरा बोलना है। और मुझे थोड़ा रोष भी है, मुझे माफ करिएगा इस बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वपायन बोल रहे हैं, कथयित्वा च यत् सर्वं ब्राह्मणेभ्यः भारत प्रभयो हिम वत् पार्श्व ततो वज्र धरात्मजा। तो अर्जुन हिमालय की तरफ चले जाते हैं, अगस्त भट्ट जाते हैं, वशिष्ठ भट्ट जाते हैं, और भृगुतुंग को क्रॉस करके शौच तंग, मतलब ब्रह्मपुत्र भृगुतुंग को शौच करते हैं और स्नान करते हैं, और फिर अनेक हजारों गाय देते हैं। पददो गो सहस्राणी सुबहूनी च भारत निवेशांश दिविता दिव जातिभ्य सोदत्त कुरुसत्तमा। भारत कुरुक्षेत्र में बहुत अनेकों ब्राह्मणों को कई हजार गाय दान करते हैं, और द्विजातियों के रहने के लिए आश्रम बनवा देते हैं, घर बनवा देते हैं। ये अर्जुन कर रहे काम है। फिर हिरण्य बिंदु तीर्थ में स्नान करते हैं और अनेक पुण्य तीर्थों के दर्शन लेते हैं। फिर हिमालय से ऊपर नीचे उतरते हैं, पूरी दिशा की ओर चल देते हैं। तो भृगुतुंग जो है वो ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ, तो मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को। मेरी पुस्तक ओरिजिनल एटलस में उसको मैंने विवरण दिया है कि भृगुतुंग जो है हिमालय में ही आता है, पूर्वी हिमालय में आता है। उसके बाद कुरुक्षेत्र धनंजय ने अनेक तीर्थों का नैमी शरण तीर्थों के क्रॉस करते हुए कौशिकी, कोसी नदी, महानदी, गया तीर्थ, गंगा जी सबको क्रॉस करते हैं। फिर आगे जाके बहुत सारे ब्राह्मणों को दान करते हैं। फिर अंग वंग कलिंग देश इस सारे तीर्थों में जाते हैं, और हर जगह जाके बहुत सारा ध्यान दान देते हैं। फिर कलिंग राष्ट्र के द्वार पर पहुंचकर उनके साथ जो ब्राह्मण चलते हैं उनकी उनसे परमिशन लेते हैं, ब्राह्मणों को वापस भेज देते हैं। फिर थोड़े से सहायकों के साथ समुद्र की तरफ जाते हैं, महेंद्र तट, महेंद्र पर्वत की पूरी दिशा में, उड़ीसा की बात हो रही है। कलिंग देश को लांग कर अनेक देशों मंदिरों अट्टालिकाओं का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं, समुद्र के तट के मार्ग से जाते हैं, और फिर वो मणिपुर पहुंच जाते हैं। मणिपुर में वहां के संपूर्ण तीर्थों में कैसे महेंद्र पर्वतम दृष्ट्वा तापा सैर उपशोभितम समुद्र तीरण चनैर मणिपुरम जगामह तत्र सर्वाणि तीर्थानि पुण्यान्यातितानि च अभिज्ञस्य अभिगम्य महाबाहुर व्यगच्छन् महीपतिम। वहां पर संपूर्ण तीर्थों पवित्र मंदिरों में जाने के बाद अर्जुन मणिपुर नरेश के पास गए। मणिपुरेश्वरम राजन धर्मज्ञम चित्रवाहनम।
तस्य चित्रांगदा नाम द्विता चारु दर्शना। मणिपुर के स्वामी चित्रवाहन ने उनकी बहुत सुंदर पुत्री है चित्रांगदा। चित्रांगदा से उनका विवाह होता है और उसके बाद उन्होंने पूछते हैं, राजा उनसे पूछते हैं, आपके कितने पुत्र हैं, आपको क्या नाम के हैं? तो उन्होंने बोला, मैं कुंती देवी का पुत्र हूँ, महाराज पांडु कुंती देवी का, और मुझे लोग धनंजय कहते हैं। और फिर राजा बताते हैं, कौन बता रहे हैं? चित्रवाहन बोल रहे हैं। तबु वाच राजा च सांत्वम पूर्वम इदम वचा। राजा प्रवंजो नाम कुलस्मिन् समभूवः, कि प्रवंजन नाम से प्रसिद्ध राजा हो गए हैं, उनका कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने बहुत अपने पुत्र की इच्छा से तपस्या करी और महादेव ने संतुष्ट किया उनको और उन्होंने बोला तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी, एक एक संतान है ना, प्रवंजन नाम के जो राजा थे उनको, तो उनके कुल में एक एक पुत्र होता था। अब उनके इनके पास एक पुत्री हो गई, उन्होंने इस पुत्री को पुत्र के रूप में ही बड़ा किया। उनमें मेरी एक शर्त है, जो तुम्हारे और इस पुत्री के संयोग से जो पुत्र होगा उसको मैं अपने पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी बना दूंगा। अर्जुन मान जाते हैं। तो अब अर्जुन का विवाह होता है उसके साथ और यही शुल्क मांगते हैं उनसे विवाह का। अर्जुन का विवाह होता है और अर्जुन ने विवाह करके 3 वर्षों तक वहां पे वास किया मणिपुर में, 3 वर्ष। और फिर जब पुत्र उत्पन्न हुआ, सुंदरी को हृदय से गले लगाया और राजा के परमिशन के साथ वो आगे बढ़े। और चित्रवाहन चित्रांगदा जो है अर्जुन से धीरे धीरे घूमती भी है, उनके साथ ही रहती है। ये इतिहास है मणिपुर का। अब मणिपुर में कितना गड़बड़ी हो रही है, हिंदुओं का, कुकी का, और भारतीय गवर्नमेंट को जो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, भारतीय सेना जो भी रिस्पॉन्सिबल है, सबको ये इतिहास याद रखना चाहिए। ये इतिहास हमको बताता है कि मणिपुर का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है और मणिपुर बहुत बड़ा प्रांत है और वहाँ पे चाहे कुछ भी करना पड़े, सेनाएं भेजनी पड़े, कुछ अर्जुन के प्रांत को आपसे खो देंगे, ये शर्म की बात हो जाएगी। अर्जुन के प्रांत को इफ यू लूज लाइक दिस शेम ऑन यू। चाहे दुनिया की सारी ताकतें आ जाएं, जाके न्यूक्लियर वेपन लगाना पड़े, कुछ भी लगाना पड़े, लेकिन अर्जुन का प्रांत है, वैसा ही रहना चाहिए। ये हमारे शर्म की बात हो जाएगी वहां से सनातन धर्म अगर वहां से चला गया तो, शर्म की बात है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए। बाकियों को तो मैं छोड़ भी दूं, यहां पे तो अर्जुन के ऑनर का सवाल है। अगर हमारे अंदर दम है और हम अर्जुन के भक्त हैं, अर्जुन के गीता की बात करते हैं, बड़े बड़े गीता की बात करते हैं, तो मणिपुर गीता, मणिपुर में सनातन धर्म, अर्जुन का प्रदेश है, वो अर्जुन के पुत्रों का प्रदेश है, वहां पे तो कोई घुसना भी नहीं चाहिए, शर्म की बात है ये पूरे। क्या अर्जुन टैंक नाम रखा है फिर, सबको हटा दीजिए अगर इतना ही डर रहे हैं तो। मैं जानता हूँ कि हमारी भारतीय सेना के अधिकारी तो बहुत ही शक्तिशाली है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन भारतीय पॉलिटिशियन को कौन समझाएगा। तो मेरा मैसेज है, अर्जुन के प्रांत मणिपुर को छोड़ो मत, और चाहे दुनिया की ताकत दिख जाए, वो एग्जाम्पल बनना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी ताकत लग जाए दुनिया की, बट वो तो जाना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो अमेरिका भी ना हो, चाहे उसके लिए आपको न्यूक्लियर वेपन वॉर भी करना पड़े, करना जरूरी है। क्योंकि मणिपुर अर्जुन का प्रदेश है, अर्जुन का पुत्र वहां पर राज करता है, जो भी राजा है सारे अर्जुन के वंशज है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसलिए मैंने इतिहास पढ़ा। ये छोटा सा वीडियो है और इसको आप ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा, और मैं चाहता हूँ कि इस पर पूरी तरह से बात हो।